हेलो एवरीवन, नमस्कार। हाँ, पता है मैं ही शायद आखिर में दुर्गा पूजा का ब्लॉग लेके आ रही हूँ। तो हाँ, थोड़ा लेट चल रही हूँ। तो सबके तरह हमारा भी दुर्गा पूजा शुरू हुआ है षष्ठी के दिन। तो षष्ठी के दिन हम दुर्गा पूजा देखने निकले हैं। तो सबसे पहले आए हैं हमारे घर के पास का ही जो एक कुछ बंगाली लोग मिल के एक सोसाइटी बना एक सोसाइटी के लोग मिल के एक पूजा करते हैं। तो हर साल हम यहीं पे आते हैं, पूरा दिन यहीं पे रहते हैं, भोग वगैरह खाते हैं। और यहाँ पर 3 दिन भोग खिलाया जाता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो तीनों दिन हम यहीं पे खाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा अलग अलग जगह पे ट्राई किया है। और पूरा टाइम पे मतलब पुष्पांजलि वगैरह सब यहीं पर करते हैं हम लोग। तो यही पूजा देखने आए थे। तो कल्चरल कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो षष्ठी के दिन पूरा दिन घर पे ही थे। शाम को लग रहा था नहीं, जाके माँ का दर्शन करके आते हैं, माँ के मूर्ति को देख के आते हैं, तो वही देखने आए थे। और यहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस भी चल रहा है, चलिए थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सॉरी, मैं ये वाला गाना ऐड नहीं कर सकती, नहीं तो मेरा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा वीडियो पे। ये एक नारी शक्ति के ऊपर डांस हुआ था, बहुत ही सुंदर सा डांस हुआ था। उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट पूजा पंडाल पे। तो ये बेगूर का दुर्गा पूजा है। तो करीबन हमारे घर से 3 किलोमीटर के अंदर 3-4 पूजा होती है, तो वो देख सकते हैं हम। नहीं तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं बेंगलोर पे दुर्गा पूजा होती है क्या। हाँ, बहुत सारी होती है, कुल मिला के करीबन 150 से ज़्यादा ही होती है। पर पॉसिबल नहीं है इतना सारा देखना, क्योंकि बेंगलोर के ट्रैफिक के बारे में हर किसी को ही पता है। एक जगह से दूसरी जगह के दुर्गा पूजा अगर देखने जाऊँ करीबन 40 to 50 मिनट्स लग जाती है। तो पॉसिबल नहीं है एक दिन में इतना सारा देखना। फिर भी हम टोटल शायद अगर 3 दिन का 4 दिन का मिला के देखें तो शायद 5 या 6 पूजा देखें। तो देखिए, यहाँ का पंडाल का थीम था कुमोर पारार गोरुर गाड़ी। तो ये एक विलेज थीम था, और मूर्ति जो है बहुत ही सुंदर सा था। और साथ में यहाँ भी कुछ प्रोग्राम चल रहा था, किसी बैंड परफॉर्मेंस था शायद। तो हम यहाँ पर रुके नहीं, हम चले गए स्टॉल देखने, फूड स्टॉल क्या क्या है बंगाली खाना। तो मैं यहाँ पर स्टॉप हो गई, क्योंकि देखा है कोलकाता का फुचका, पर सच बताओ तो बहुत ही ज़्यादा तीखा था, मुझे उतना मज़ा नहीं आया। पर क्या कर सकते, 100 रुपीज़ लिया था 6 फुचका का, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। इससे हमारे घर के पास जो है शायद 25 रुपीज़ लेते हैं, 6 फुचका देते हैं, बहुत ही टेस्टी है ये, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो क्या करें, ले लिया है तो ख़त्म करना पड़ेगा। और इधर पर ही भी मांग रही थी एक ड्राई फुचका, उसे सूखा पूरी खाने का शौक़ है जब मैं फुचका खाती हूँ। तो इधर कुछ हो गया, इसका मूड ख़राब शायद, नहीं उसे वो बोल चाहिए था, कटोरी जो मिलता है तो वो तो नहीं देंगे एक्स्ट्रा, तो इसलिए उसका थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, थोड़ा सा क्रैंकी हो गई थी। पर मैं अभी जब वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो फुचका देख के मेरा मुँह में अभी भी पानी आ रही है। फुचका देख के किस किस को लगता है ऐसा, आप लोग अगर लगता है तो कमेंट कीजिएगा। तो मैं इसे अरिंदम को भी पूछ रही थी, पर अरिंदम नहीं खा रहे थे। तो कोलकाता झालमुड़ी फुचका चा कुछ कुछ था। फिर हमने सोचा परी को ये राइड कराते हैं, हेलीकॉप्टर वाला राइड। तो पहले तो वो खुशी खुशी बैठ गई है, मतलब ये सब करने में तो सबको, सब बच्चे को अच्छा लगता है, एक्चुअली सबको ही अच्छा लगता है, पर हम अलाउड नहीं है इतना छोटा सा गाड़ी में बैठने के लिए। तो बैठ गई है, उसके बाद जब स्पीड उसको बढ़ा है तो उसके बाद उसने रोना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए, मेला पूजा सब देखना हो गया, आज के लिए इतना ही, अभी घर चलते हैं। और परी यहाँ पर रुक गई है, एक मैंडेटरी चीज़ होती है जाते वक्त टॉय लेना, तो आज उसे बलून चाहिए। तो मैंने पहले ही रूल बना दिया, रोज़ दूंगी, 4 दिन दूंगी, लेकिन एक ही टॉय, उसके बाद दूसरा नहीं मांग सकते। तो उसने वो राज़ी हो गई है, तो रोज़ एक ही टॉय मिला है। उसके बाद हम लाइट्स वगैरह देख के घर वापस आ रहे थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दुर्गा पूजा भी है, फिर नवरात्रि, सब कुछ मिला के इतना अच्छा सा शहर को सजाया गया है। और इधर मम्मा बेटी बात करते करते, गाना गाते गाते फिर हम लोग वापस आ गए हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और आपका पूजा कैसा गया प्लीज़ बताइए।